हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम, कैसे हैं आप लोग? कोई पंचायती नहीं, देखिए सर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। रैशनलाइजिंग क्वेश्चंस का हेडिंग लिखा हुआ है, लेटेस्ट रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग सर। डिनोमिनेटर, ये टर्म तो आप लोगों को पता होगा, डिनोमिनेटर क्या है? किसी भी फ्रैक्शन में अपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और लोअर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट याद रखने का है। अब आते हैं हम लोग रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग का मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्या है रैशियो, यानी रेशियो कंसेप्ट में होगा। रेशियो कंसेप्ट मतलब अपॉन में होगा, ठीक। जब रैशनलाइजिंग हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जो भी टर्म्स रहेगा हम लोग के पास दिया हुआ 2√3 + √2 अपॉन समथिंग, कोई वन डिजिट वाला जब टर्म रहेगा। रैशनलाइजिंग का कंसेप्ट क्या है, एक तो सिंगल डिजिट वाला रहेगा, सिंगल और एक प्लस माइनस वाला। तो पहले सिंगल वाला करते हैं हम लोग, रेडी, ठीक है। सिंगल वाला कैसे होगा, देखिए रैशनलाइजिंग का कंसेप्ट है, सबसे पहले एक प्यारा सा लाइन खींचिएगा, ऊपर वाला जो भी लिखा रहेगा उसे खूबसूरत से लिखिएगा, खूबसूरत से 2√3 + √2 खूबसूरत खूबसूरत लिखिए। खूबसूरत लिखने के बाद उसको प्यार से सजाइएगा, ऐसे सजा दिए। सजाने के बाद अब ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे रहेगा, क्या था √6 था, ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा यही वाला वन टाइम यहाँ पे लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, और फिर से यहाँ पे लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या क्या रैशनलाइजिंग कंसेप्ट होता है, जस्ट एग्जांपल ए बाई बी है, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वही वाला एक मतलब ऊपर में और वही वाला एक मतलब नीचे में, ठीक है। अरे का कर, समझ में आया ना, ठीक। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई रेशियो में, सॉरी सर्स में मल्टीप्लाई का कंडीशन पता है कैसे होता है, अगर 2√3 × √3√2 है, मतलब रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाला के साथ, बाहर वाला बाहर में लड़ाई झगड़ा करेगा अपना, अंदर वाला अंदर में, ठीक है। बाहर का बात घर में नहीं, घर का बात बाहर में नहीं। 2√3 × 6 अंदर वाला 3√2 × 6 समझ में आएगा, होता है ना, कभी बाहर का बात बाहर का निपटा नहीं, चलो खत्म, घर का बात घर में, कोई यहाँ वहां खिचड़ी नहीं पकानी। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 1, क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2 अंदर वाला के साथ, 6√3 = 18 ठीक है, प्लस 1√3 = 3 6√2 = 12 ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अपॉन क्या था, √6 × √6 हम लोग अभी सीखे हैं, हम लोग को पता भी है, जैसे a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, बी इंटू बी क्या होता है, बी स्क्वायर, सेम √6 × √6 √6 के स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 9.1 में हम सीखे थे तो सर्स बनाने में जो भी बड़ा नंबर रहेगा वो बड़ा नंबर में नहीं रहेगा, वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉलेस्ट नंबर में आ जाएगा। 2 था इंटू 18, 18 का मतलब क्या हो गया, 3 × 3 × 2 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18 प्लस 3 हम लोग रहने दिए क्या हो जाएगा 12 का मतलब 2 × 2 × 3 ये वाला स्क्वायर रूट कर जाएगा 6। अब देखिए यहां से 2√3 सॉरी देखिए इस 2 था ठीक है, अंदर में ये डबल है ना, बाहर निकला तो एक बार अकेला जो बच्चे वो घर के अंदर में मुड़िया के रहेगा अपना, ठीक है। है 3 है 3 अंदर में है, दुकेला जो है दुकेला संग में निकले, दुकेला हमेशा संग में निकलेगा, है जो अकेला है वो अंदर, 6 नीचे वैसे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6 3 × 6 यानी 6√2 + 6√3 अपॉन, नीचे 6 था, वेरी गुड। ऊपर से आप लोग 6 तो बोलता भी नहीं है, क्या कर रहे तुम लोग, 6√3 6 और 6 हम लोग का पास क्या हुआ, कॉमन का यार, कॉमन है, किसी ने देखा था ये है, बिलैया का जैसा इसी से ताके है, क्या कर रहे यार मान तुम। अब देखो क्या हुआ, √2 + √3 ठीक है, है नीचे में क्या बचुल के हो, 6 हाँ 6 है, 6 बचुल के 6 छाए, ठीक है, छाए कर दीजिए, क्या बचा, √2 + √3
हम लोग का प्यास इसी आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये हम लोग का है रैशनलाइजिंग का बेसिक स्टार्टिंग, ठीक है। सेम इसी तरह का वन वर्ड वाला है टू, ये आप लोग अपने से कीजिएगा, इसको हमको बताने की दरकार नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग ये वाला थ्री वाला, थ्री कैसे बनेगा, ठीक है। थ्री बनाने के लिए यहाँ पे सब टर्म्स चेंज हो रहा है, पहले सिंगल था, समझा दिए हैं, आप लोग घर पे बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए अब डबल वाला कैसे होगा, डबल वाला रैशनलाइजिंग के लिए क्या है ना, कैसे किया जाएगा, देखिए। हम लोग का क्या था, डिजिट सिंगल वाला करनी, अब करेंगे जब कॉम्बिनेशन रहेगा प्लस माइनस के साथ जब रहेगा, तो क्या करना है कि देखिए ऐसे ब्रैकेट हम लोग सजा देंगे। समझना यह है कि जब प्लस माइनस के साथ रैशनलाइजिंग करना रहेगा तो जो साइन नीचे में रहेगा उसका अपोजिट वाला ऊपर नीचे हम लोग का यूज करना है। कैसे देखिए, अगर माइनस है यहाँ पे माइनस रूट थ्री माइनस वन, तो इसको यहाँ उठा के लाएंगे, रूट थ्री वन सेम रूट थ्री वन, क्या था माइनस था, तो माइनस था तो यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है। अगर प्लस रहता तो माइनस माइनस, अपोजिट साइन को सेम सिमिलर द मल्टीप्लाई में देख देना, माइनस था तो प्लस प्लस नहीं। अब देखिए ऊपर में क्या लग रहा, रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, हम लोग को जैसे पता है, क्या पता है, ए इंटू ए, बाबू लोग पता है ना, एक तो ए इंटू ए क्या बोलो, ए स्क्वायर, बुझ ले, वेरी गुड, बुझी। तो रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, अजी बाप भाई, लड़कियां तो इतना बड़का चूल में कैसे इतने हीरे हीरे रहे हैं लोग, बाप रे इतनी चूल में इतना गर्मी लग रहे हैं। अच्छा तुम बताओ अरमान, इधर आओ एक बार बताओ, इधर हम लोग के पास बैलेंस करने के लिए कुछ तो कुछ है, इस वजह से अल्लाह ताला ने छोटा छोटा चूल दिया, छोटा छोटा चूल रखते का है, बोलो का है, इसलिए हम लोग के पास बॉडी या माथा मेंटेन करने के लिए दिमाग दिया अल्लाह ताला, इसलिए हम लोग के पास टगमगाते नहीं है। लड़के लोग का चूल इतना बड़ा बड़ा होता है का है, अरे बोलो क्या है, लड़के लोग का पास दिमाग ही नहीं होता है, तो सर तो ढुमला जाएगा ना इसे, इसीलिए चूल बड़ा बड़ा जाता है, सर ऐसे ऐसे यहाँ पर टगमगाएगा बैलेंस रखेगा, इसलिए लड़के लोग का चूल बड़ा जाता है, समझा, समझा सर, वेरी गुड जॉब गाइस, चलो बड़ा जॉब साइन, ऐसा कुछ नहीं बात है, समझो इधर आइए, बड़ा गर्मी लगा सर दिमाग खराब हो जाता है, देखिए अरे लड़के सब गुस्सा नहीं होगी, देखिए तो रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस प्लस वन क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर। नीचे देखिए सर्ट्स में रैशनलाइजिंग हमेशा याद रखना है क्या होगा, ज्यादातर मैक्सिमम या हमेशा सर्ट्स में क्या होगा, नीचे वाला जब भी ऐसा साइन वाला के साथ होगा हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, हमेशा फॉर्मुला में तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसे देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये क्या लगेगा a प्लस बी, ये क्या लग रहा a माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर, a के जगह पे क्या है रूट थ्री, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या लग रहा है हम लोग के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे अच्छा इसे चार्ट बनाइएगा मुंह से बोल के, a स्क्वायर प्लस टू a मथुआ हिला हिला के बोली, ठीक है, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अब इसे मुंह उठा के आप लिखो ए ई बी ई ए ई ए ई बी, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हुआ थ्री बचा, स्क्वायर रूट कट गया थ्री से बन गया टू, अब देखिए समझिए अच्छे से, यहाँ स्क्वायर रूट कटा क्या बचा थ्री प्लस रूट में हमको पता है यहाँ मल्टीप्लाई होता है टू वन जै टू टू वन जै टू, यानी टू रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर वन, नीचे बचा टू, अब देखिए थ्री और वन फोर प्लस टू रूट थ्री, टू रूट थ्री बाई टू, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आया, कॉमन इधर आओ कॉमन मतलब समझो, यस सर, कॉमन तुम्हारा दो कान हमारा दो कान, ठीक है, तुम्हारा इतना हेवी खड़ा खड़ा चुन हमारा भी खड़ा खड़ा चुन, एक कॉमन, कॉमन मतलब जो हम दोनों में होगा, इसमें क्या कॉमन है टू, हाँ वेरी गुड, चलो
फोर का मतलब क्या है हम लोग के पास, फोर का मतलब टू इंटू टू, यानी इसमें वन टू है, फोर का मतलब क्या है टू इंटू टू, ये टू ये टू, वन टू इसमें भी है, ठीक है, यानी दोनों में से हम लोग टू कॉमन ले लिए, टू कॉमन ले लिए, जब टू कॉमन ले लिए क्या बचा, फोर में से वन टू कॉमन ले लिए क्या बचा, ये तो दो बच लो प्लस एक दो निराम दो लिए, दो ले लिए, क्या बचा ओनली रूट थ्री, अब क्या बचा यहाँ से टू का बताओ, हाँ बोलो कट गया, ऐसे ऐसे करता था ठीक है, कट गया क्या बचा टू प्लस रूट थ्री हम लोग का हो गया आंसर, समझ में आया तो जी, बाप रे बाप, बड़ा ठीक है, टिक दो बटन, टिक दो पॉज कर।